इनके पास लाइसेंस है वो बेरोजगार सारे दिन बोनी नहीं होती है। हम 15 और 20 दिन का जो अनलीगल काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अनलीगल तरह से गाड़ियां चला रहे हैं, या तो वो दिल्ली छोड़ दे। फिर भाई की इतनी ले रही है, तो भैया मैंने कहा भाई तुम मीटर से बैठे जो बने दे दे। देश विदेश के काफी लोग आते हैं, जब कोई बड़ी घटना होती है तो हम लोग फंसते हैं। अच्छा सोनी जी, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट में मुझे काफी सारे जो लोग हैं ये कमेंट करते हैं कि सोनी जी के पास कितने ऑटो हैं जो वो भुखमरी की कगाल पे आ गए हैं, तो आप अपनी ऑटो की संख्या बताइए। मेरे पास जो है ना 1 लाख ऑटो वाले मेरे परिवार के लोग हैं और 1.5 लाख जो ड्राइवर है वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ये जो जुगनू वाली ये चल रहे हैं ना यूट्यूब पर डालते हैं, वो डालते हैं, इनका नाम मैं रख लिया जुगनू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की टैक्सों की चोरी कर रहे हो और हमारे ऊपर ये इंजाम लगा रहे हो, वाह भाई वाह, ये नहीं चलने वाला। अब ये तो भूल जाओ, ये मेरी यूनियन है, मैं 40 सालों से यूनियन चला रहा हूँ। मेरे लिए तो ये लोग हैं 1 लाख ऑटो वाले, काली बिली टैक्सी वाले, 1.5 लाख ड्राइवर मेरे परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए चाहे मंसूरी जी हों, चाहे हमारे राजेंद्र सोनी जी हों, चाहे राम सरन जी हों, इनका कहना ये है जितने भी अवैध वाहन हैं, जितने भी जैसे प्राइवेट बाइक टैक्सी है, फिर जुगाड़ू ई रिक्शे हैं, इनका रोजगार ये खत्म करना नहीं चाहते। इनका साफ कहना ये है अगर आपको काम करना है, आपको रोजगार करना है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है आप उसका पालन करते हुए चाहे जुगाड़ू ई रिक्शा चलाएं, चाहे आप बाइक चलाएं, लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो हमारे साथ में और ड्राइवर भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आपके ऊपर भी काफी सवाल उठाए जाते हैं, कहा यह जाता है कि जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं वो मीटर से नहीं चलते हैं, वो ओवर चार्ज करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। इसमें क्या है कि जो मीटर से, हम तो मीटर से तैयार है, मीटर से चलते हैं, सवारी आती है मीटर से आती है तो मीटर से ले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं मीटर से नहीं आएंगे हम, तो पैसे बताओ, ओला इतने ले रहा है और रैपिड बाइक इतनी ले रही है। तो भैया मैंने कहा भाई तुम मीटर से बैठे जो बने दे देना, कि नहीं इसमें तो बेटिंग आती है, इसमें फलाना आता है, ठिकाना आता है। मतलब आपका साफ साफ कहना ये है कि मतलब सवारी जिस तरीके से जाना चाहती है उसी तरीके से आप उसको लेके जाते हैं। और जो बाहर के जो ऑटो हैं, जैसे UP 14, UP 16 हो गया, फरीदाबाद का हो गया, गुड़गामा का हो गया, ये यहाँ आ रहे हैं और ले जा रहे हैं सवारियाँ और उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं, आज दिल्ली वालों पर लग रहा है। अच्छा आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बस सर जी जो उन्होंने पंडित जी ने कहा वो बिल्कुल बेहतर है। बाहर की जो यूपी साइड की, हरियाणा की नंबर NCR में दिल्ली में घुस जाते हैं और ये उल्टी सीधी तरीके से चार्ज करते हैं और उसमें नाम बदनाम दिल्ली ऑटो वालों का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो ऑटो ड्राइवर मौजूद है इनका कहना ये है कि देखिए जिस तरीके से सवारी हमारे साथ में जाना चाहती है हम उसी तरीके से सवारी को ले जाते हैं। अगर वो मीटर से कहती है तो हम मीटर से ले जाते हैं, अगर वो पैसे की वो बातचीत करते हैं तो हम पैसे से ले जाते हैं। दूसरी बात इनका ये जो कहना है कि दिल्ली के बाहर के जितने भी, चाहे वो यूपी के ऑटो हो, चाहे वो हरियाणा के ऑटो हो, जो दिल्ली से रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर घटनाएं करते हैं, सवारियों को परेशान करते हैं, सवारियों से ओवर चार्ज करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं, उनकी वजह से जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर वो बदनाम होते हैं। यही कारण है कि दिल्ली का कोई भी ऑटो जो है मीटर से ही चलने को तैयार है, जैसे सवारी कहती है वैसे ही चलने को तैयार है। हाँ जी सोनी जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम 15 और 20 दिन का जो अनलीगल काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अनलीगल तरह से गाड़ियां चला रहे हैं, या तो वो दिल्ली छोड़ दें, और 15-20 दिनों के अंदर हम कोर्ट के माध्यम से न्याय मांगेंगे। दिल्ली के ऑटो रिक्शा हो गया और काली बिली टैक्सी वालों के लिए दिल्ली के अंदर बन गई है धर्मशाला, और इस धर्मशाला को कैसे खत्म करा जाएगा, ये कोर्ट के माध्यम से ही हम इनको अनलीगल काम का जो ये बन गई है धर्मशाला, इसको खत्म हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में मंसूरी। हाँ जी बोलिए मंसूर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितनी ई बाइक पॉलिसी चल रही है या अवैध ऑटो रिक्शा भी चल रही है, हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ हरियाणा में सकती हैं, यूपी नंबर की गाड़ियाँ यूपी में सकती हैं, दिल्ली में ऑटो रिक्शा 7.5 लाख का है, तो करते क्या है कि दिल्ली में जो उन्होंने देख लिया कि ये ऑटो रिक्शा कहीं कबाड़े में खड़ा है उसका नंबर डाल के वो अपनी गाड़ियों पर चला रहे हैं। मैंने स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम को 22 पॉइंट दिए थे कि इन पॉइंटों पे चेकिंग करी जाए, एक एक नंबर प्लेट की गाड़ियां ये HRC पे प्लेट की नकली फर्जी HRC प्लेट लगा रखी हैं और वो गाड़ियां अंदर बाहर सवारी उठाती हैं, कोई भी ट्रैफिक पुलिस और ना ही इन्फोर्समेंट की पुलिस कोई उन पे एक्शन नहीं लेती है। आज भी दिल्ली के अंदर कम से कम 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो डबल नंबर की चल रही हैं, वो हरियाणा नंबर की गाड़ी होती है, दिल्ली नंबर की प्लेट लगा लेते हैं और सवारी अंदर बाहर उठाते रहते हैं। तो हमने 22 पॉइंट शहजाद आलम को दिए थे, लेकिन शहजाद आलम ने ऐसे लगता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो उनको महीना आ रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे मंसूरी जी ने। इनका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर जो ऑटो की कीमत है वो लगभग 7.5 लाख रुपए है,
यही कारण है कि दिल्ली के बाहर के जो ऑटो रिक्शा है, चाहे वो एचआर नंबर के हो, यूपी नंबर के हो, वो ड्राइवर खरीद के लाते हैं। और जो इनका सरगना होता है वो क्या करता है, जो कबाड़ की कटने वाली जो गाड़ियां होती हैं कहीं पार्किंग में खड़ी होती हैं, उनके वो नंबर नोट कर लेते हैं और उन गाड़ियों पे वो नंबर चिपका देते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि ये दिल्ली से जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है। और वो दिल्ली के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं वो करते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर होते हैं वो बदनाम होते हैं। अच्छा मंसूरी जी, एक रामशरण जी, आप एक चीज बताइए, कैश जो जुगाड़ू ई रिक्शा की हम बात करते हैं, जुगाड़ू ई रिक्शा में इनको क्या करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, जिससे इनके ना तो चलान कटे ना इनकी धरपकड़ हो, ऐसी कोई कौन सी वो प्रक्रिया है? तो आशु जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी बातों को, हमारे ड्राइवर भाइयों की, हम लोगों की बातों को आप आगे तक पहुँचाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो जुगाड़ू रिक्शा है इनको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई घटना होती है तो फिर जैसे पहले हुआ निर्भया कांड हुआ था, उसमें क्या है कि फिर ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बस वाले, सारे जो लीगल तरीके चलते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लीगल वाले छुप जाते हैं। तो हमारे लोगों में ये मीटर जो थोपा गया उसी के चक्कर थोपा गया था, लेकिन इस मीटर का कोई फायदा नहीं हुआ। किसी प्रकार से जो लीगल है वही दिल्ली के अंदर चले, दिल्ली राजधानी है, देश विदेश के काफी लोग आते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो हम लोग फंसते हैं, वो लोग तो काम करके अपना चुपचाप खड़े हो जाते हैं, उनकी क्या गाड़ी जब्त कर लोगे, इससे क्या होगा उनके? बिल्कुल बिल्कुल, जो डीलर होते हैं वो इनको लालच देते हैं, ऑफर देते हैं कि भाई हम आपको सस्ती गाड़ी देंगे। जो अगर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदते हैं लगभग उसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए होती है, जुगाड़ू ई रिक्शे की हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर आप जुगाड़ू वैसा प्राइवेट आप ले लेते हैं तो वो 60-70 हजार रुपए में आ जाता है। यही कारण है कि जो ड्राइवर है वो ज्यादातर जो है जुगाड़ वाले ई रिक्शे पे जाते हैं, लेकिन उनको एक माफिया गैंग है वो इन ऑटो रिक्शा, इनके जुगाड़ू ई रिक्शा को चलवाता है, क्योंकि उसे शाम को पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, और वो ट्रैफिक पुलिस को महीना देता है, इन फोर बॉन्ड को महीना देता है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ अधिकारियों पे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे, जो कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इससे रोजगार, ड्राइवर ऑटो चालकों का रोजगार खत्म हो रहा है, इनके पास लाइसेंस है वो बेरोजगार सारे दिन बोनी नहीं होती है, और जो अवैध काम कर रहे हैं वो पैसे सवारी उठा ले जाते हैं, इनको सवारियां नहीं मिलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंसूर जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं अगर उनके पास जुगाड़ू ई रिक्शा है तो देखिए उस जुगाड़ू रिक्शा का कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी उसका चलान कर सकता है। और हाँ, चलान नहीं कटता, वो सीधा जब्त होते हैं और वो कट जाते हैं, क्योंकि चलान उसका कटता है जो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, और जुगाड़ू रिक्शा के पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, इसलिए वो जब्त होता है और वो काट दिया जाता है। तो सभी भाइयों से कहता हूँ कि जुगाड़ू ई रिक्शे को खरीदना बंद करें, और अगर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करना चाहते हैं ताकि आपको कोई परेशान ना करे, आपका चलान ना काटे, आपकी गाड़ी को जब्त ना करे, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ई रिक्शा लीजिए, ताकि सभी का काम सही हिसाब से चल सके। तो दोस्तों बस यही थी आज की छोटी सी जानकारी जो आपको मैंने दी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।